सुनो हजरत सालबा बिन अब्दुल रहमान मेरे करीम महबूब अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं, गरीब हैं, गुर्बत बड़ी आला चीज है। हाँ हाँ, गरीबी बड़ी नेमत है, ये आजमाइश है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कयामत वाला दिन पता चलेगा जब गरीब छलांग लगा के जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। अमीर तो खड़े हैं ना, मेरे नबी पाक ने हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ को, हुज़ूर सुबह सुबह उठे तो नबी पाक की आंखों में आंसू थे, फरमाया मेरे अब्दुर्रहमान बिन औफ को बुलाओ। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ आए तो हुज़ूर ने सीने से लगा लिया, नबी पाक खोल के रोए, या रसूलल्लाह हुज़ूर क्या हुआ? फरमाया अब्दुर्रहमान रात में ख्वाब देखी है, सारे जन्नत में चले गए, तू पीछे रह गया, मैं खड़ा तेरा इंतजार करता रहा, मैं तेरे बगैर जा नहीं सकता था, फिर तू आया है तो तू, तेरा सारा वजूद पसीने से भीगा हुआ था। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ तड़प के रोए, कदमों पे सर रहा, हुजूर मेरी गलती। फरमाया यार तेरे पास माल बड़ा है, तुझे हिसाब देते देते लेट हो गई, तेरे बैग खुल गए, तुझे हिसाब देना पड़ गया, तू लेट हो गया, मैं परेशान हो गया। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने 100 घोड़ा माल ऊपर रख के हजरत अब्दुर्रहमान ने हुजूर की बारगाह में पेश किया, कहा यार सुल्ला ये। और पता है एक दिन क्या हुआ, एक दिन सरकार के विसाले जाहिरी के बाद हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ नबी पाक के घर के दरवाजे के बाहर आके बैठ गए और यूं सर को पकड़ा हुआ रो रहे हैं। हजरत उम्मे सलमा हुजूर की जौजा बाहर आई, कहा बेटा अब्दुर्रहमान क्या हुआ? जब पूछा क्या हुआ तो और खोल के रोए, कहा क्यों रोता है? कहा अम्मा जी जब तक मेरे महबूब हयात जाहिरी में थे मुझे बताते थे ये माल ना कमा ये कमा, मैं हुजूर से बात करता था तो हुजूर रोक देते थे, अब मुझे जाहिरन बताने वाला कोई नहीं, माल के ढेर लग गए हैं, आज हिसाब करने बैठा हूं तो हिसाब नहीं हो रहा, सोचता हूं अगर मैं फंस गया तो मुझे कौन उससे बचाएगा, आप महबूब की जौजा है, मेरी माँ है, मैं आपके पास आया हूँ, अम्मा जी मुझे बताए मैं क्या करूँ। तो हजरत उम्मे सलमा भी रो पड़ी, कहने लगे महबूब महबूब थे, मैं कहाँ उनकी तर्जमानी कर सकती हूँ, मैं नबी पाक की तर्जमानी कैसे करूँ? कहा अम्मा जी खुदा वास्ते मुझे कोई हुक्म दे दे, मुझे लगता है अब्दुर्रहमान बर्बाद हो जाएगा, हलाक हो जाएगा, खुदा रहा मुझे कुछ बता दे, इतना सारा माल है मैं कहाँ इसका हिसाब दूंगा, मेहरबानी फरमाए, ये तजारतें मेरे गले पड़ रही हैं। हजरत उम्मे सलमा की जब मिन्नत की तो फरमाने लगी जा बेटे आधा खैरात कर दे। कितना? 2.5% नहीं, कितने फीसद है? 50%, 50%। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ गए और 50% खैरात करके आ, कहने लगे अम्मा मैंने 50% दे दिए, मैं बच जाऊंगा ना, मैं बच जाऊंगा, मैं दे आया हूं आधा। हजरत उम्मे सलमा फरमाने लगी मैं नबी पाक की बारगाह में सिफारिश करूंगी तेरी और नबी पाक अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सालबा बिन अब्दुर्रहमान हुजूर दुआ कर दे गरीबी है, मेरे नबी पाक ने फरमाया तुझी इस हाल में है बेहतर है, करते हैं हुजूर नहीं दुआ कर दे, फरमाया तुझी इस हाल में है, तीसरी दफा फिर आ गए, हुजूर ने दुआ कर दी, चार बकरियां थी, चंद महीने गुजरे, कुछ तजारत शुरू की, छोटे मोटा लेन देन शुरू किया तो 40 हो गई, कुछ वक्त और गुजरा तो रेवड़ बन गया, फिर गायें भी आ गईं, फिर ऊंट भी आ गए, फिर लाइनें लग गई, फिर हर वक्त हुजूर के करीब बैठने को दिल करता था, अब लेन देन के मामला थे, अब जरा तबीयत थोड़ी पीछे हटने लगी, थोड़ा दिल पीछे हटने लगा, पहले 5 नमाजें मस्जिद में, फिर जोर असर की छुट्टी, मेरी तरफ देखो और देखो मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, फिर जोर असर गई, फिर कुछ वक्त गुजरा तो मगरब भी गई, फिर इतनी बड़ी हवेली कोई नहीं, फिर बाहर जाके मदीने से डेरा लगा लिया, जुमे के जुमे आते, जकात का हुक्म आ गया 2 हिजरी में, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला नो अमीरे जकात मुकर्रर, 5 ऊंटों पर 1 बकरी, ये जकात ठहरी। अब जब गए ना ऊंट गिने और बकरियां गिनने लगे, ओहो 1 करोड़ पे 2.5 लाख किसने दिया था, दुआ किसने फरमाई, ओहो इतना मेरे पैसे बैंक से मैसेज आ जाएगा, इतने कम हो गए, ओहो बड़ी मुसीबत बनेगी, मेरे तो खुशी होती है जब आते हैं तो ये अब ये वाला मैसेज भी चलेगा कि इतने माइनस हो गए, तौबा तौबा, परेशानी लग गई, बड़ी तबीयत, इनकार नहीं किया, कहने लगे
हुजूर से जाके अर्ज करना मैं खुद आऊंगा, और जहां महबूबियत हो वहां इतने लफ्ज भी बेअदबी हैं, वहां ठहर जाओ, सोचता हूं, समझता हूं, गौर करता हूं, ये जुमले भी वहां तोहीन होते हैं। महबूब हो और वहां इंसान सोच समझ की बात करे, वहां इंसान, बाबा बुल्ले शाह साहब ने कहा, अकल आख दी चुगे नु साम के रख, इश्क आख दे बाल के सेकना चाहिदा है। कहा जाके कहना मैं आऊंगा, सबकी जकात ले आए, दरे रसूल पे आए। हुजूर ने फरमाया पहले साल बाकी बात बताओ, पता था ना पहले साल। हुजूर उसने कहा था मैं आऊंगा। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं नबी पाक ने ठंडी आह भरी, आह ठंडी, फरमाया हलाक हो गया। उसको कहा था ना इस चक्कर में पड़, हलाक हो गया, हलाक। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं दो बारीक बारीक आंसुओं के कतरे भी मैंने महबूब की आंखों में देखे। अपना है ना तो दुख हुआ, यार मेरा अपना था, हलाक ही हो गया, किधर चला गया है। उनको भी बाद में ख्याल आया, ओहो मैं तो गरीब था, ये आया किधर से था, मैं तो गुलामी रसूल में आता गया तो रब मेरी इज्जतें बढ़ाता गया, ये मैं किस चक्कर में पड़ गया। आए लाइने बकरियों की लाए, हाजिर की, हुजूर वो मैंने कहा था हजरत अबू हुरैरा से मैं खुद आऊंगा, हुजूर मैं खुद लाया हूं। फरमाया महबूब ने मुझे तो ना बताओ, मैं तो समझता हूं, मैंने कहा था तो मैं आ गया हूं। फरमाया चल उठा, दौड़ जा, ले जा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते इनकार महबूब ने सालबा को किया, लेकिन आंसू अबू बकर सिद्दीक के भी निकल गए। फरमाते दर्द उस्मान गनी को भी होने लगा, तड़प मौला अली भी गए। फरमाया जा ले जा, नहीं चाहिए तेरे पैसे। फरमाते हैं सालबा ने हाथ बांधे, कहा महबूबा गलती हो गई, हुजूर मुझे, फरमाया तुझे कहा ना तेरे नहीं चाहिए, निकल जा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं जब नबी पाक ने रुख फेरा तो सहाबा की जुबानों पे भी जारी हो गया, ये तो हलाक हो गया। कहते हैं मदीने में कहत पड़ गया। महबूब ने फरमाया बिलाल तू भी आज ला। एक खुश्क छुआरा हजरत बिलाल का कबूल हो गया, लेकिन सालबा लाइने लगी या माल की। फरमाया जा ले जा, तेरा कबूल नहीं है। फरमाते हैं तड़पते रहे सारी जिंदगी और माल को देख देख के आहें भरते रहे, लेकिन करीम ने इस तजारत को कबूल, हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास आए सरकार के विशाल हुजूर कबूल फरमा ले। फरमाया सारी दुनिया का कबूल है, जिसका मेरे नबी ने कबूल नहीं फरमाया मैं कैसे कबूल कर लूं। हजरत उमर फारूक के पास आए, फरमाया ना तेरा कबूल नहीं। हजरत उस्मान के जमाने में विशाल हो गया। अजीज याद रख, तिजारत वो वाली कर जो तुझे निजात दे, उस चक्कर में ना पड़ जा जो तुझे उलझा दे, जो तुझे उलझा दे। कुरान मजीद की आयत आई, इक्तरब लिन्नास हिसाबहुम वहुम फी गफलति मुरिदून, लोगों का हिसाब करीब आ गया है और वो अभी भी गफलत में पड़े हैं, अभी भी दो के चार और चार के दस कर रहे हैं, हिसाब का वक्त करीब आ गया। हजरत अंसाए मस्जिद से एक सियाबी मकान बना रहे थे, झोंपड़ी तमीर कर रहे थे। हजरत अंस को परेशान देखा, कहने लगे अंस खैर तो है, कोई नई आयत तो नहीं आई? तो जनाब अंस कहने लगे आयत तो आ गई है, रब ने कह दिया कि हिसाब करीब आ गया, तैयारी कर लो। झोंपड़ी बना रहे हैं, महल नहीं, झोंपड़ी बना रहे थे, अभी दीवार कच्ची मुकम्मल नहीं हुई थी, हाथ झाड़ दिए सियाबी ने, इधर रुख फेरा तो हजरत अंस कहने लगे कहां जा रहे हो? कहने लगे भाई मैं हिसाब नहीं दे सकता, मैं मुस्तफा के पास जा रहा हूं, मैंने नहीं दीवार बनानी, बस भाई मेरी मेरी इस दौड़ से बस, मैं कोई नहीं साफ दे सकता, मैं कमजोर हूं। मेरे रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मेरे दोस्तों तिजारत करो, लेकिन इसको इबादत समझ के करो। अगर तुम्हें चौक वहां दुकान पे बैठे खुदा भूल जाता है और सौदा करते वक्त रब रसूल की बातें